गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आपको रियल स्टेट ट्रेनिंग के साथ साथ रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है। आज का वीडियो भाई भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव आर कॉल्ड शहीद आजम। इन तीनों शहीदों को शहीद आजम क्यों कहा जाता है? दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। रियल स्टेट से हटके टॉपिक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को एक दिन फांसी दी जाती है 1931 में, और ये हीरो की तरह उभर के आती है। कारण क्या है? आजादी की लड़ाई में पता नहीं कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों को तोपों के साथ मारा गया, कितनों को फांसी दी गई है, कितने को काले पानी की जेल दी गई है। बहुत बंदों को किसी तरीके से मतलब उसमें योगदान रहा है। तो इनको ही शहीद आजम क्यों कहा जाता है? शहीद आजम करने कहने का, इनको अचीव करने का, इनको मिलने का कारण सिर्फ ये है कि ये लोग अपने कंसेप्ट, इनको क्लियर थे, अपने जो इन्होंने किया उनका इनको पता था। फांसी का रस्सा इन्होंने अपने गले में डाला खुश होके, बिल्कुल गीत गाते गाते, कोई दिमाग में बोझ नहीं। इनको पता था यदि हम रोएंगे, चिल्लाएंगे या कुछ और करेंगे, इनसे माफ़ी मांगेंगे, फांसी फिर भी होनी है, तो जब होना ही है, गेट रेडी फॉर द वर्स्ट, जो होना होने दो, कोई बात नहीं। इसलिए इनको शहीद आजम का दर्जा दिया कि इन्होंने हालातों के सामने घुटने नहीं टेके। जो करना करो अंग्रेजों, जो करना करो, हमारा अगला जन्म भी हो तो अगला जन्म भी इसी तरीके का हो, हम अगले जन्म में भी आज़ादी की लड़ाई में शहीद हों और भारत माँ की सेवा कर सकें। ये जज्बा था, ये इनको पता था कि क्या हमारे साथ होने वाला है, लेकिन ये डरे नहीं। यदि डर जाते तो फांसी फिर भी होनी थी। मकबूल भट्ट को 1989 में फांसी दी थी, वो मेरा ख्याल जम्मू कश्मीर का कोई लिबरेशन फ्रंट का अतवादी था, आतंकवादी, चलो आतंकवादी गवर्नमेंट कहती है, ये कुछ और कहते होंगे। उस आदमी को सुबह 4 बजे उठाया गया कि तेरे को 6 बजे फांसी है। वो कहता मेरे को 5 बजे उठाना, कोई बात नहीं है, मैं 5 बजे भी तैयार हो जाऊंगा, 6 बजे निकल जाऊंगा। ये मैं जब IAS की तैयारी करता था 1989 में, हमारे प्रिंसिपल जो हमारे मेरे को पढ़ाते थे स्वर्ण सिंह जी, उन्होंने ये बात हमें बताई थी। तो वो कहते जी उनका उसका वेट बढ़ गया था, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं थी कि मेरे को फांसी हुई हुई है। मतलब इस तरीके की जो आदतें हैं, इस तरीके के जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, उनको कभी भी डर नहीं लगता मौत से, और वो ये मुकाम हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने। थैंक यू।